हेलो हेलो अहमदाबाद हेलो बोर महाराष्ट्र स्टेट का एक गांव पुणे डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। अभी भाई मैं यहां पे आया हूँ शादी में, तो अभी जा रहे हैं नदी, पता नहीं यहां पे कुछ है नदी जैसा घूमने के लिए। अब वहां जाके ही देखेंगे क्या है क्या नहीं। सब रेडी तो हो गए परिवार वाले, अभी देखते क्या नहीं। ये देखो बोर नगर पालिका, लेट्स सी क्या होता है, कि मुझे भी पता नहीं यहाँ पे क्या है, देखते हैं भाई। अरे नदी के लिए चल के जाया जा सकता मैं है? ओके चलो फिर। चलो भाई चलते हैं, अभी ये ले जा रहा है सेउल। सेउल बोलता है कि भाई नजदीक है सेउल, नजदीक है ना, भाई ज्यादा चला अभी थक ना जाए भाई। कोई नहीं थकेगा, कोई नहीं थकेगा, देखा मेरा अहमदाबाद में आ रहा है तू। भाई ये बोर मार्केट में आ गए, अब देखते हैं नजदीक नजदीक। भाई ये बोर की मेन मार्केट जा रहा है, अभी चलते चलते भाई चिंटू भाई साथ में है। चिंटू भाई यस हेलो हेलो अहमदाबाद हेलो अलविदा अहमदाबाद ही अलविदा। सूरज मतलब डूबने से पहले पहुंचना है, अंधेरा होने से पहले, तो अभी फटाफट जा रहे हैं। ये बोर की गलियों में घूम रहे हैं अभी। राजा रघुनाथ रघुन घाट लगे, रघुन घाट राजा रघुनाथ रघुनाथ आर्क। सामने है मंदिर, पहले ओके तो है ना। कहाँ है पहले से? ये तो पार्किंग है पहले? अच्छा वो पहले से भाई, ये बरसों पुराना पैलेस देखो, पुराना बहुत पुराने जमाने का लगता है। हीरा पैलेस हेरिटेज साइट है। अभी आगे जाएंगे, नदी नदी है आगे। अभी ये बंद रहता है, देखने को नहीं मिलेगा। शूटिंग था जो यहाँ पे पिक्चर में। भाई पैलेस में अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, तो ये देखो बाहर से ही देख लेते हैं। अभी नदी की ओर चलते हैं, बंद है बंद। चलो भाई ये सीधा घाट है, वो जो पैलेस था उसके आगे ही था, आगे ही ये गली निकल दी है, उसमें से हम आगे निकल गए थे, लेकिन लोकल ने मदद की कि भाई आगे से जो है वहाँ पे चले जाओ, एक गली है तो आ गए। ये देखिए ओ माय गॉड जबरदस्त। ये नदी है, इस घाट का नाम आपको बताता हूँ भाई क्या है क्या नहीं। ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा तो है भाई, आमदारा सी संग्राम दादा थोपटे। भाई मराठी में कुछ पता नहीं चल रहा मुझे, देख लो भाई।
सब आए दोपहर को खाना खा के सो गए थे और अभी उठ के आए हैं फटाफट। चलो जो भी यहाँ देखने लायक चीज है भोर में तो देख लेते हैं। सब आ गए यहाँ पे। वाओ जबरदस्त नदी है, आगे से आगे होके जा रही है। बहुत अच्छी, अच्छे टाइम पे आया, शाम के टाइम पे सूप अप। बहुत आईडिया भाई, धीरे धीरे आ रहा है। क्या मनोज भाई थकान दूर हो गई? आराम कर लिया? कर लिया, कर लिया, कर लिया। भाई दोपहर के तो सब ऐसे सोए, घोड़े बेच के सोए, पूरी पूरी नाइट ड्राइव किया था। ये देखो डीप है पूरा। सेल्फी टाइम। बस तू पड़ी जाए। घाट के किनारे पे नवग्रह मंदिर है, वो चप्पल निकालना पड़ेगा यहाँ पे। चलो शूज निकाल दिए। शनि देव, ओम शम शनिश्चराय नमः शनिश्चराय। ये देखो नवग्रह मंदिर। केतवे रावे नमः, शनिश्चराय नमः, शुक्राय नमः, बृहस्पते नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम मंगलकाय नमः, चंद्राय नमः, सूर्य सूर्याय नमः। हाँ नवग्रह मंदिर है ना? नवग्रह मंदिर से। हाँ नवग्रह। ओके कहाँ पे मेरा दादा? पची आ शनिचर से। हाँ मंजी से, गणपति से, ऊपर स्वेटर से। चलो भाई अच्छा है, दर्शन हो गए। नदी नु नाम शू है? नीरा 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 जाए ना, नीरा बारामती। या नदी नु नाम शू? आगे जाते नाम नीरा से, यहाँ खबर नहीं। नीरा नीरा नदी। चलो भाई नाम तो पता चल गया नदी का, नीरा नदी। चलो नीचे चलते हैं भाई, चलो चलो मजा आएगी। जा रहा है नीचे। नीरा नदी है भाई, नीरा खंडाला घाट से होके यहाँ पे आती है बोर। भाई एक और पुराना, एक पौराणिक मंदिर में आए, पौराणिक मंदिर में आए। यही पे शूज निकाल लेते हैं भाई। नंदी महाराज बहुत बड़े नंदी महाराज है भाई। हरिओ नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। Thank you.
श्री भोरेश्वर मंदिर। ओम नमः शिवाय। श्री भोरेश्वर महादेव मंदिर पूरा पत्थरों का बना हुआ है भाई, पौराणिक मंदिर है। बहुत ही अच्छा दिखता है। बहुत शांत जगह है एकदम, महादेव का मंदिर। आत्मा को शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है। हरिओम नमः शिवाय। इधर वड़ा पाव, भेल, मिसल। अब ये पता नहीं, ये छोटा सा द्वार है। आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर। क्षेत्रफल पालिया लगता है मंदिर का। मस्त भाई, ये जो महल है उसके बारे में एक और चीज आपको बताऊंगा। जो बाजीराव मस्तानी काशी का मिलन का जो भी शूटिंग था वो इस महल के अंदर हुआ था। तो यहाँ पे शूटिंग होते ही रहते हैं। ये बाहर से थोड़ा लगता है आपको पुराना है, लेकिन अंदर अच्छा मेंटेन किया है और लोगों के लिए मतलब नहीं जाने देते। जिसको परमिशन हो या फिर शूटिंग वालों ने परमिशन लिया उनको ही अंदर जाने देते हैं, बाकी नॉर्मल पब्लिक को अंदर नहीं जाने देते। ये देखो पुराना किला है, थोड़ा आगे से दिखा दूँ। वैसे पहले आपको दिखा दिया गेट, लेकिन फिर भी आपको आगे से दिखाता हूँ। ये देखो बाजीराव मस्तानी काशी काम, काशी से मिलने वाला सीन यहीं पे शूट हुआ था। इसके अंदर, बाहर तो नहीं, अंदर। अब अंदर तो परमिशन नहीं है भाई, तो बाहर से आपको ये किला दिखाई देता हूँ। पौराणिक किला है ये, देखो ये पूरा। चलो ये महल के भीतर चलते, मतलब साइड में, भीतर तो जाने दीजिए, लेकिन साइड में एक रास्ता एक और है वो देखने के लिए आपको ले जा रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ। ओह माय गॉड, अच्छा ये देखो किले का अंदर से बड़ा दिख रहा है। महल की शान और स्वागत अब अंदर से देखने को मिले तो मजा आ जाए। यहीं से अंधेरा होने ही वाला है। अच्छा हुआ जल्दी जल्दी आ गए। और यहाँ पे लोकल लोगों ने बताया कि पिक्चर और फिल्मों की शूटिंग होती रहती है इसके अंदर, ये महल के अंदर। बहुत बड़ा एरिया है इसका, बहुत बहुत बड़ा है। सब बैठ गए, यहाँ की स्पेशल आइटम है मिसल। और ये देखिए सब सेलिब्रिटी आए थे, पता नहीं गोविंदा सारे स्टार आ गए यहाँ पे, और हमारे परिवार के स्टार भी आ गए सब यहाँ पे। आइए ना ब्लॉग।
भाई ये जो छोटी सी दुकान है लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े स्टार आए हैं, नाश्ता करने वाले इधर आए। और ये पक्का दुकान का नाम आपको बता दो, रेस्टोरेंट का राजा रघुनाथ राव पैलेस के पास ही है, ये पैलेस के पास ही है, ये यहाँ पे मिसल फेमस है। तो इधर मिसल पाव खाने आए अभी, जो टेबल छह टेबल छह भी भाई भाई ये देखो ये है मिसल, ये रस्सा वड़ा और ये मिसल पाव, ये रस्सा वड़ा है एक का आई लियो आई लियो। ओके भाई भाई ये सॉरी ये रस्सा वड़ा है और ये मिसल पाव है। ये भी कुछ अलग आइटम है रस्सा वड़ा। चलो भाई मनोज भाई मिसल पाव खा रहे भाई मिसल क्या है वो अभी पूछते हैं क्या है, ये क्या होता है मिसल, क्या होता है मिसल, कैसे बनता है हाँ बोलो बोलो। नहीं 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 इनको पता है, मेरे को बताया था अभी कोई बात नहीं गुजराती में लो भाई जिगर भाई भी आ गए, जिगर भाई मिसल पाव अच्छा लगता है भाई, ये पूरे गुजरात में नहीं पूरे वर्ल्ड में घूमेगा अभी है ये मिसल पाव। चलो गाइस दिखता यहाँ तक ही, बाद में जो अच्छा होगा तो अच्छा होगा, ओके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अलविदा अहमदाबाद।